Hello students, so today I am going to teach about the fourth chapter, elaboration on MS Excel 2016, five parts. Okay, इससे पहले हम four parts पढ़ चुके हैं इस chapter के. ये chapter बेटा five parts में divided है. Okay, इसकी पूरी five video मिलेंगी आपको. ये last video है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट टॉपिक शेयरिंग वर्कबुक. ओके, शेयरिंग वर्कबुक. जो हम वर्कबुक बना लेते हैं, जो हमारी फाइल बन जाती है, उसको शेयर करना है. शेयर से आप समझ ही रहे हो, किसी और के पास सेंड करना है, भेजना है. एक्सेल मेक इट इजी टू शेयर एंड कोलैबोरेट ऑन वर्क बुक यूजिंग वन ड्राइव. वन ड्राइव एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम अपने वर्कबुक को शेयर कर सकते हैं. ओके, इन अर्लियर वर्जन ऑफ एक्सेल इफ यू वांटेड टू शेयर अ फाइल विद समवन यू कुड सेंड इट एज ईमेल अटैचमेंट. वन ड्राइव से कैसे जाता है? ईमेल अटैच करके जाता है. ये ईमेल पे जाता है. वन ड्राइव एक सॉफ्टवेयर है, उससे हम सेंड करेंगे और ईमेल पर ईमेल के थ्रू हो जाएगा. ओके, ईमेल एड्रेस डालना होगा हमें. दिस क्रिएट मल्टीपल वर्जन ऑफ द सेम फाइल विच कैन बी डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज. ओके, व्हेन यू शेयर अ वर्कबुक फ्रॉम एक्सेल, कैसे शेयर करेंगे हम? व्हेन यू आर गिविंग अदर एक्सेस टू द एग्जैक्ट सेम फाइल. This lets you and the people you share your Excel file with edit the same workbook without having to keep track of multiple version. Multiple version में अगर same file को share करना है, okay, edit करके अगर हम share कर रहे हैं तो उसको देखते हैं कैसे. Click the file tab. First click the file tab and click share option. You can click the share button on the top right corner Excel worksheet. Excel worksheet पे top right corner पे okay? Right side में top में share button का option होगा. On the share pane, click share with people. Share with people button पे click करेंगे. Click on save to cloud. पे क्लिक करेंगे सेव टू क्लाउड. एंड थर्ड स्टेप, क्लिक ऑन वन ड्राइव. वन ड्राइव इज द ऑनलाइन फाइल स्टोरेज सर्विस. देखिए वन ड्राइव क्या है? फाइल स्टोरेज सर्विस है ये. और इसे हम शेयर करते इस पे फाइल को स्टोर करके रखते हैं. इंक्लूड विद योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट. ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से अटैच होता है. माइक्रोसॉफ्ट जितने सॉफ्टवेयर हैं उनमें ये वन ड्राइव भी होता है. ओके, टू एनेबल दिस ऑप्शन यू विल नीड टू साइन इन द ऑफिस. ये तभी एनेबल होगा जब ऑफिस को हम साइन इन करेंगे. क्लिक ऑन साइन इन योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट. माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को पहले हम साइन इन करेंगे, देन हम वन ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं. लुक एट डायलॉग बॉक्स. फर्स्ट क्लिक फाइल बटन. सेकंड क्लिक शेयर विथ पीपल, किसे शेयर करना है. ओके, यहाँ वन ड्राइव का ऑप्शन दिया है और ये देखिए शेयर हो रहा है वन सिस्टम टू सिस्टम मोबाइल. ओके, क्लाउड मतलब होता है कि हम कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हैं, कहीं भी उसे देख सकते हैं. ओके, अगर नेट पे अगर हम कुछ भी रखते हैं, एमएस एक्सेल जैसे कि आपका मेल, अगर मेल हमारे ईमेल आईडी पे मेल आया हुआ है तो हम अपना ईमेल आईडी कहीं भी चेक कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम किसी भी मोबाइल पे. वो उसमें हमेशा स्टोर रहता है और जब भी हम उसे ओपन करके चेक करेंगे तो वो मिलेगा हमें. बट अगर हम अपने सिस्टम में या अपने मोबाइल में कोई फाइल डाउनलोड करके हम रखे हुए हैं तो वो दूसरे मोबाइल या दूसरे सिस्टम में नहीं मिल पाएगा,
हमें उसी मोबाइल पे ढूंढना होगा, पे यूज़ करना होगा। ओके, तो जो क्लाउड का सिस्टम होता है वो हम कहीं भी कर सकते हैं। ओके, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम टू मोबाइल, मोबाइल टू सिस्टम, सिस्टम टू सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ देखिए जैसे कि आपने पढ़ा था कि शॉर्ट बटन शॉर्टकट जो था शेयर ऑप्शन आएगा टॉप कॉर्नर में, तो यहाँ आपका ऑप्शन दिया हुआ है ठीक है, जहाँ पे क्लोज बटन होगा वहीं पे ये भी होगा, ऐसे बना होगा शेयर अब प्लस का निशान। ओके, एंड देन वंस यू डॉक्यूमेंट इन सेव्ड टू वन ड्राइव, तो क्या होगा वन ड्राइव पे सेव हो जाएगा। शेयर विथ पीपल बटन ओनली ऑन द बटन ऑन द शेयर पैन, उसके बाद हमें शेयर करना होगा, तो वहाँ से जिस पीपल को शेयर करेंगे वहाँ से हम शेयर कर सकते हैं। ओके, वन ड्राइव पे सेव हो जाएगा और वहाँ से हम शेयर कर सकेंगे। नाउ यू कैन इन्वाइट पीपल, शेयर यू डॉक्यूमेंट, कैन सेट फिगर देयर एडिट ओनली व्यू द डॉक्यूमेंट। ओके, हम उसे शेयर कर सकते हैं। एक्सपोर्टिंग वर्क बुक, एक्सपोर्ट करना क्या है कि हम चेंज करते हैं। एक्सपोर्ट करने का मतलब कि हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे अपने फाइल को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल वर्कबुक आर सेव्ड इन XLX, ओके, एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, डॉट XLSX दिया हुआ है, इसमें XLX भी होता है। ओके, ये जो है एक्सेल का एक्सटेंशन नेम है, इस नाम से सेव होता है फाइल फॉर्मेट उसका। यू कैन ऑल्सो सेव योर एक्सेल फाइल अदर फॉर्मेट, अगर दूसरे फॉर्मेट में सेव करना है, जैसे PDF बनाना है तो हम PDF में भी सेव कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक फाइल के फॉर्मेट को दूसरे फाइल में चेंज कर देना। ओके, क्लिक द फाइल टैब एंड सेकेंड क्लिक एक्सपोर्ट, किसमें करना है, PDF या फिर XPS। ओके, एंड देखिए यहाँ पे आप यहाँ होम टैब में यहाँ आपका ऑप्शन है, पहले हम फाइल पे क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट पे। ओके, फाइल पे फिर एक्सपोर्ट, फाइल पर क्लिक करेंगे ढेर सारे ऑप्शंस होंगे एक्सपोर्ट पे, तो यहाँ हमारा ये बॉक्स ओपन होके आएगा। तो यहाँ क्रिएट PDF दिया हुआ है, चेंज फाइल टाइप, यहाँ चेंज कर सकते हैं हम फाइल टाइप। ओके, द सेव एज डायलॉग बॉक्स, उसके बाद जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा, ये ऐसे सेव करने के लिए कहाँ पे हमें रखना है और नेम क्या डालना है ठीक है। और यहाँ से टाइप हम ले लेंगे, यहाँ टाइप हमारा पहले से ही हमारा PDF चूज़ कर चुके हैं, तो ये आ जाएगा खुद से यहाँ पे टाइप PDF, यहाँ नेम हम लिख लेंगे और फिर हम अपना एड्रेस चूज़ कर लेंगे, देन वो सेव पे क्लिक कर देंगे। ओके, टू एक्सपोर्ट अ वर्क बुक टू अदर फाइल टाइप्स, देखिए अदर फाइल टाइप्स में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, क्लिक द फाइल बटन एंड एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, चेंज फाइल टाइप चेंज करेंगे, फाइल टाइप सेलेक्ट करेंगे एंड सेव बटन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ चेंज फाइल टाइप, ये देखिए है ना, ये चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ से हम चेंज कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा है पायोट टेबल। पायोट टेबल क्या है, व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ डेटा, अगर ढेर सारा डेटा आपने के पास है, इट बिकम डिफ़िकल्ट टू एनालाइज, डिफ़िकल्ट हो रहा है उसको एनालाइज करने में, उस पर वर्क करने पे आपको डिफ़िकल्ट हो रहा है। ओके, ऑल द इंफॉर्मेशन इन योर वर्कशीट, आपके इन्फॉर्मेशन सारे वर्कशीट में है बट फिर भी डिफ़िकल्ट हो रहा है एनालाइज करने में, तो पिवोट टेबल कैन हेल्प मेक योर वर्कशीट मोर मैनेजेबल बाय समराइजिंग योर डेटा। तो ये क्या करेगा, आपको मैनेज करेगा
समराइजिंग डेटा की जो समरीज है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको मैनेज वो करेगा कि आपको, आपकी हेल्प करेगा कि आपको अच्छे से समझ में आ सके और डिफ़िकल्ट ना हो. ओके, जैसे एग्जांपल में आपका है, कंसीडर द टेबल शोन विच कंटेन्स सेल्स मेड बाय डिफिकल्ट सेल्समैन इन डिफरेंट मंथ. वी वांट टू नो द टोटल अमाउंट ऑफ सोल्ड ईच सेल्स पर्सन. अब देखिए, ये सेल्समैन है. ओके, अनुज है, जैक है, पुनीत, रमेश, यतिन. ओके, तो इन लोग, ये लोग जो है हर महीने में जनवरी फरवरी सब मंथ दिया हुआ है, जनवरी फरवरी मार्च. ठीक है, तो जनवरी में अनुज ने 45,000 सेल किया था. फिर अनुज ही फरवरी में 80,000 का सेल किया. फिर अनुज ने मार्च में 34,000 का सेल किया. जैक ने 78,000 का जनवरी में सेल किया. तो ये देखिए, सब जनवरी फरवरी मार्च मिक्स है, ये तीनों मंथ है ना. तो अगर हम ये चाहे कि जनवरी का देखें, फरवरी का देखें, अरे ऐसे सेपरेट कुछ इस तरीके से, तो आइए हम यहाँ देखते हैं. टू क्रिएट अ पायोट टेबल बनाएंगे हम. सेलेक्ट द टेबल और सेल्स. पहले उस टेबल को हम सेलेक्ट कर लेंगे, उस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे. ओके, पूरा उस मैटर को सेलेक्ट कर लेंगे. यू वांट टू इंक्लूड से पायोट टेबल, जिसपे हम टेबल बनाना चाहते हैं. फ्रॉम द इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, उसमें पायोट टेबल के नाम से होगा, उस पर क्लिक करेंगे. ओके, एंड देन एक बॉक्स ओपन होकर के आएगा, यहाँ देखिए आप. ओके, इसमें दिया सेलेक्ट द टेबल और रेंज और भी ऑप्शंस हैं, एंड देन ओके बटन है. अ ब्लैंक पर टेबल एंड फील्ड लिस्ट विल अपीयर ऑन अ न्यू वर्कशीट. न्यू वर्कशीट में ब्लैंक पर टेबल खुल के आएगा. यहाँ देखिए साइड में, यहाँ आया आपका खुल करके. ओके, हमने क्या चूज़ किया था यहाँ पे, सिर्फ सेल चूज़ किया था, ये वाला कॉलम हमने चूज़ किया. ओके, तो अब ये हमारा नीचे देखिए सिर्फ यही शो कर रहा है, सेल यही शो किया. तो इसमें हम देख रहे हैं क्या करना है. हम चेक द बॉक्स टू ईच विल यू वांट टू ऐड. वी वांट टू नो द टोटल सेल अमाउंट ऑफ ईच पर्सन का टोटल सेल अमाउंट कितना होगा, है ना, पूरे महीने का मिला करके. तो ये देखना हमें है. द पॉइंट टेबल विल बी कैलकुलेट एंड समराइज. पॉइंट टेबल क्या करेगा कि कैलकुलेट कर देगा वो. ओके, एग्जांपल, द पॉइंट टेबल शो द सम ऑफ सेल. वो क्या करेगा कि जितने टेबल्स, जो एक अनुज का जितना भी सेल किया जनवरी फरवरी मार्च में, तीनों को क्या करेगा, वो सम कर देगा. और सम करके पूरी वैल्यू एक साथ शो करेगा. ओके, यहाँ देखिए, चूज फील्ड टू ऐड द रिपोर्ट. उस फील्ड को चूज करेंगे, सर्च करेंगे जिसका हमें रिपोर्ट करना है. सेल्समैन, यहाँ देखिए सेल्समैन है, सेल्समैन का ही हमें देखना है. ड्रैग फील्ड बिटवीन एरियाज बिलो. यहाँ कॉलम हम टाइप करेंगे, फिल्टर वगैरह क्या करना है, रोज. सेल्समैन यहाँ क्या लिया है, सम ऑफ सेल्स, सम करना है हमें, सम ऑफ सेल्स लेंगे. ओके, रो सेल्समैन. ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या कर रहा है कि एक का, अनुज जो है जितना भी सेल किया सबको एक साथ टोटल कर दिया. समरी दिखा रहा है ना, हमें समरी देखना है कि समरी में हम क्या देखेंगे, ही देखेंगे ना कि एक पर्सन जो है कितना सेल किया, तीन महीने की सेलिंग या चार महीने की सेलिंग अगर हुई है और अलग अलग पूरा उसका हमने राइट करके रखा है, तो हम एक जगह करके देखेंगे ना कि अनुज ने कितना सेल किया, जैक ने कितना सेल किया, पुनीत ने कितना सेल किया, और ये फिर पूरा टोटल हमारा कितना हुआ, ये सब हम पॉइंट टेबल से कर सकते हैं. ओके, ओके, नाउ योर चैप्टर इज फिनिश्ड.